तो भाई यूनुस खान साहब, ये क्या हुआ? एक ऐसी टीम जो कि डीमोटिवेटेड है, जो कि तय है कि टूर्नामेंट से आउट हो गई है, जिसको 240 रन पड़ गया है, वो मतलब एकदम आती है और जेसन रॉय 145 कर देता है, वो 10 बॉलों पहले exactly, देखे, ये क्या है सिम भाई, आपने खुद ही कहा ना, एक हाँ। एक टीम के पास अब कुछ नहीं है, नथिंग टू लूज है, तो प्रेशर हट गया है। अच्छा। हम हमेशा ये बात कर रहे हैं कि जब आप अंडर प्रेशर, पहला मैच ही कोयटा ये सोच के खेल रहे हैं कि हम, देखिए ये तो आपने करना है, देखिए जब आप पे प्रेशर आता है तो आपके डिसीजन गलत होते हैं, सही है। ये तो हमने इस दुनिया में देखा, जब भी हम पे प्रेशर आता है तो डिसीजन गलत होते हैं, और कॉम्बिनेशन को लेके दिन ब दिन हार रहे थे, तो रोज बरोज प्रेशर क्रिएट हो रहा था उनकी टीम को लेके, उनकी बहुत से पॉइंट्स को लेके, और आज क्या हुआ कि आज बात हुई होगी जी, अब आप प्राइड के लिए खेलें, क्वेटा के लिए खेलें और अपने अपने नाम के लिए खेलें, तो जब आपके पर प्रेशर नहीं होता तो वो रिजल्ट आपके सामने है। मेरे ख्याल से अमेजिंग क्रिकेट हुई। देखिए इसमें एक क्रेडिट हमने जरूर देना है, आज की पिच, अच्छा यानी 480 रन पड़ गया आज, कोई पूरे ओवर भी नहीं हुए दूसरी इनिंग के, तकरीबन 10 बॉल रह गए, 38 ओवर्स में 480 रन पड़ गया। मतलब है कि एक हम जो चाहते हैं ना कि एक ब्रांड बने, तो इस तभी बन सकता है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी पिचेस होनी चाहिए, बाउंड्रियां अब मुनासिब बाउंड्रियां हैं कि आपके पास बाउंड्रीज हो रही होती हैं, अमेजिंग क्रिकेटर्स हैं, और मेरे ख्याल से देखिए हर मैच ऐसे ही होना चाहिए, अब जब प्ले ऑफ आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऐसी मैच हो तो ये और इसको फॉलो एक्साइटिंग मैचिंग होंगे, इनको लोग देखेंगे, फॉलोअर्स बनेंगे और आपकी जो है ना फैंस बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग क्रिकेट खेली आज, और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि क्वेटा की तरफ से अच्छी क्रिकेट खेली गई, सही है। पेशावर जलमी की बात करें तो सैम अयूब, ठीक है उनको आज थोड़े चांसेस मिले, सही है। लेकिन जिस तरह उन्होंने खेला, फिर बाबर आजम की पहली सेंचुरी, जबरदस्त खेले, और उसके बाद लेकिन जिस तरह जेसन रॉय आज खेले हैं, उन्होंने हमें दिखाया, उन्होंने हमें दिखाया कि सिर्फ ये चौके छक्कों की गेम तो है, सही है, फिनिश कैसे करना है, सही है। इससे पहले अगर हम क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात कर ले, कराची किंग्स की बात कर ले, वो फिनिशिंग टच नहीं था, हाँ। और आज हमने देखा, कहते भी रहे रोजाना कि हमसे फिनिशिंग है, वो जो फिनिशिंग लाइन है वो अबूर नहीं हो रही, हम लेकिन आज जिस तरह जेसन रॉय खेले, वो इसीलिए टॉप के प्लेयर हैं, टॉप की कंट्री के लिए खेलते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह खेली जाए। और उसके बाद एक और पॉइंट, वो क्या, आज वाइजली मोहम्मद हफीज को यूटिलाइज किया गया, उनसे 2 ओवर कराए गए, और फिर एक टाइम पे जब सब सरप्राइज थे कि ये क्या डिसीजन है, और खासतौर पे कैप्टन मोहम्मद नवाज से पूछा भी गया कि मोहम्मद हफीज को भिजवाना, लेकिन जिस तरह वो आए और उनकी कोई स्ट्राइक रेट भी अगर मैं देखूं तो मोहम्मद हफीज ने 18 बॉल पे 41 रन किए हुए हैं, जिसमें 4 छक्के और 2 4 चौके और 2 छक्के हैं, और स्ट्राइक रेट उनका 227 का है, तो मेरे ख्याल से आज स्ट्राइक रेट 227 का है, तो आज लगा कि कॉम्बिनेशन को लेके सही है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा देर होगी, लेकिन ये कि अब ये नेक्स्ट जब पीएसएल आएगा तो ये पॉइंट्स उनको सोचना चाहिए और पहले से प्रिपेयर हो गया है, अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो विद इन इवन टूर्नामेंट आप फिर मुश्किल में। सो कामरान भाई, क्या लेसन है आज के मैच में क्वेटा के लिए, जिसका अब सफर खत्म हो गया है और अभी अब उनका टेम्पो बना है, अब केपीएसएल खत्म हो गया है, और आप कह रहे थे पेशावर का आपको लगता है शायद पॉइंट टेबल में बता फिनिश कर सकता है, पीछे से बता दिया आपको, नहीं मुझे याद है यार, ये पॉइंट मारना भूल गया, वो कह रहे थे पेशावर पॉइंट टेबल में सरे फहरिस्त आ सकता है, मैंने कहा था चालीस बना गया, हार गया, जीतेंगे तो फिर हाँ जीतेंगे, नंबर 1 या नंबर 2 आ सकेंगे, ऊपर से कोई एक मैच आए, लेकिन आज के मैच की बात, जैसे बाबर आजम की पहली सेंचुरी, हाँ। और जबरदस्त बैटिंग, सैम अयूब की जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, 241 रन बनाए हैं, चेज करना था, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया क्वेटा ने, हाँ। ऐसी बैटिंग करके दिखाई और जबरदस्त ऐसी, और एक नजर इस पे डाल के इस पे भी कमेंट करते हैं कि अब यही लगता है इस पॉइंट से हमको देख के, लाहौर और इस्लामाबाद है टॉप पे, 8 में से 6 मैच जीते, मुल्तान और पिशावर 8 में से 4 मैच जीते, अब तो तकरीबन ये लगता है ना 90% या नहीं, आप बताएं कामरान भाई कि लाहौर और इस्लामाबाद ही टॉप 2 टीम्स होंगी, चूंकि बाकी 2 टीम मुल्तान और पिशावर अपने दोनों अगले मैच जीत जाएंगे तो भी इनके पॉइंट्स जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद के बराबर ही होंगे, फिर भी रन रेट की बात जाएगी, रन रेट की बात होगी, नेवर नो, चेंज हो सकता है, अभी आज कमेंटेटर भी बता रहे थे कि क्वेटा दोनों मैच जीतेगी, पिशावर हारेगी तो रन रेट पे बात आ जाएगी, लेकिन आज का मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, हाँ। अगला मैच उनका मुल्तान से है, क्रिकेटर कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह है कि नहीं यानी सॉरी बात करो, यानी अगर फर्ज करें पिशावर अपने अगले दोनों मैच हार जाता है, हाँ जी, तो पिशावर जीतेगा 4 मैच 10 में से, हाँ जी, क्वेटा अपने अगला मैच जीत जाता है तो क्वेटा भी जीतेगा 10 में से 4 मैच, रन रेट पे बात आ जाएगी, अच्छा अब ये रन रेट में कितना पीछे कहा जाएगा क्वेटा, माइनस पॉइंट
लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है और बड़ी जबरदस्त मजा आया बैटिंग देखने का, और जैसे बॉलिंग नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से वो बड़ी विविड बॉलिंग नजर आई है। कराची मेरे कराची अगर अपने अगले एक में से दोनों मैच जीत जाए, खेले एक लेकिन दो जीत जाए, पहले वो भाई एक सेकंड आदि भाई एक बात बता दूं क्या? ना आप अगर कराची बाहर हो गया ना तो पाकिस्तान चल नहीं सकेगा। मैच की बात करी भाई, PSL की बात नहीं है। वसीम भाई पहले क्या बात है यार, पहले कराची अपना एक मैच तो जीत रहे, दूसरा यार आप ज्यादा नहीं हंसो, आपकी टीम ताजा आ रही है। कोई बात नहीं, क्रिकेट हार जीत तो होती है, एक ने जीतना एक ने हारना, हम भी तो कह रहे हैं क्रिकेट 240 बना के यार 240 वसीम भाई, इट वाज द हाईएस्ट चेजिंग स्कोर फॉर PSL। ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई क्रिकेट की? मेरा काम ही यही है भाई। अच्छा मैं को पागल थोड़ी हूँ एयरवाइज न्यूज में शो कर रहा हूँ ये आप अब तक